घन सारे भक्ति भजन हरिनाम से ध्यान धर कर भजन करु प्रार्थना गुरुदेव से मिट जाएंगे कष्ट सारे भक्ति भजन नाम से ध्यान धर कर गा भजन जिंदगी में क्या रखा एक दिन यू ही मर जाएंगे जिंदगी में क्या रखा एक दिन यू मर जाएंगे धन और दौलत ये इमारत सब यहीं रह जाएंगे मुक्ति कमा मुक्ति को पाओ मुक्ति कमा मुक्ति को पाओ ये प्रार्थना है आपसे ध्यान धर करगा भजन कर प्रार्थना गुरुदेव से मिट जा सारे भक्ति भजन नाम से ध्यान धर

जपे नारद मुनि नारायण सुमरण किया सैकड़ों को ज्ञान देकर ज्ञान का वर्णन किया को नहीं कोई फरक रहता नहीं भक्त और भगवान में ध्यान धर करगा 不人。 अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे बहुत डिटेल में ध्यान के विषय में बताया गया कैसे करना है अगर कोई नया भाई आए हो तो बताइए जिसे फिर दोबारा बताया जा सके सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त कौन सी सूरत आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है मूर्ति, मूर्त इष्ट देव ईश्वर परमात्मा अपनी आत्मा से पूछिए कि कौन सी ऐसी परमात्मा की मूर्त है जिसमें सबसे ऊंची भावना आप परमात्मा की डाल सकते हैं सबसे ऊंची भावना चुनिए बड़े प्यार से और अगर डिसाइड नहीं होता कि राम को माने या कृष्ण को माने शिव को माने हनुमान जी को माने बहुत कंफ्यूजन है किसी एक को पकड़ लीजिए और ध्यान कीजिए उनका कुछ समय बाद आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप राम को मानेंगे या कृष्ण को मानेंगे शिव को मानेंगे हनुमान जी को मानेंगे वो आकृति आपके सामने आ जाएगी कि भाई तो मेरा है तब अपने इष्ट देव को पकड़िए एक इष्ट की आराधना एक इष्ट की पूजा अगर रोज रोज बदलेंगे उसका कभी लाभ नहीं होगा आपको चित्त की एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड प्राप्त नहीं होगा आप अपने इष्ट की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे आपको शांति परमानंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी अगर आपको परमानंद की प्राप्ति की खोज करनी है तो आपको ध्यान के प्रोसेस में जाना पड़ेगा जैसे जैसे आप ध्यान के प्रोसेस में चलते चले जाएंगे अपने इष्ट को गहराइयों से याद करते चले जाएंगे जितना समय आप अपने इष्ट की गहराइयों में देंगे जितने समय आप उनको याद करेंगे उतना ही कंसंट्रेशन गहराइया आपके इष्ट देव की आपके अंदर बनती चली जाएगी और जैसे ही याद करेंगे फौरन बड़े आराम से याद आएगी बगैर याद किए याद आएगी तोते जागते खाते पीते हर समय उनकी याद होगी ऐसी आदत बन जाएगी कि जब भी आप खाली हुए ऑटोमेटिक परमात्मा की याद ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा काम में बस टूटा ऑटोमेटिक परमात्मा की याद काम से छूटा ऑटोमेटिक परमात्मा की याद जैसे जैसे अप, अपने इष्टदेव की गहराइयों में बढ़ते चले जाएंगे दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम बड़े प्यार से अपने इष्ट को याद कीजिए और अपने सामने अपने इष्ट देव की मुहूर्त बनाइए बड़े आनंदमय ये स्थिति बनाइए दूसरे वो भाई हैं जो निराकार रूप के पुजारी हैं निराकार ओम अल्लाह वाई गुरु बड़े आराम से बैठिए आनंद में ये अवस्था बनाइए ये सोचिए कि मैं अपने इष्ट के चरणों में विश्राम चाहता हूं विश्राम के मैंने ध्यान है जब विश्राम करेंगे तो मन के ऊपर कोई बोझ आपके ऊपर नहीं होगा बड़े आराम से बैठे होंगे आनंदमयी अवस्था में बैठेंगे और उसके बाद ये महसूस कीजिए कि हमारे दिल की धड़कन से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है ओम 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 कर रहा है हृदय आवाज दिल से निकल रही है जिबा से नहीं निकल रही आप पूरे शरीर में उसके आनंद से आनंदित हुई है रिलैक्स योर बॉडी बॉडी ओम के नाम से तो अभी एक भोजन होगा और भोजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे हर दिल में समाए रहते हो सरकार तुम्हारा क्या कहना हम भी हैं तेरे दीवानों में दिलदार तुम्हारा क्या कहना दिलदार तुम्हारा क्या कहना हर दिल में समाए रहते हो गर्दिश में ज़माने खो कर कई बार तुम्हें हम भूल गए कई बार तुम्हें हम पर तूने भुलाया नाम को पर तुमने भुलाया नाम को ये प्यार तुम्हारा क्या कहना ये प्यार तुम्हारा क्या कहना कर दिल में समाए रहते हो इस दुनिया के बाजार में हम ठोकर पर ठोकर खाते रहे ठोकर रहते हो सरकार तुम्हारा क्या कहना हम भी हैं तेरे दीवानों में दिलदार तुम्हारा क्या कहना दिलदार तुम्हारा क्या कहना हर दिल में समाए रहते हो गर्दिश में समी खो कर कई बार तुम्हें हम भूल गए कई बार तुम्हें हम पर तूने भुलाया नाम को पर तुमने भुलाया नाम को ये प्यार तुम्हारा क्या कहना ये प्यार तुम्हारा क्या कहना हर दिल में समाए रहते हो इस दुनिया के बाजार में हम ठोकर पर ठोकर खाते रहे ठोकर पर ठोकर खाते रहे पर तू जो सहारे देता रहा पर तू जो सहारे देता रहा ये प्यार तुम्हारा क्या कहना दिलदार तुम्हारा क्या कहना हर दिल में समाए रहते हो चेहरे पे बरसते नूर कम मैं लफ्जों में बयां कुछ कर सकूं, लफ्जों में बयां कुछ कर सकूं, तेरे रहम की क्या तारीफ करूं? तेरे रहम की क्या तारीफ करूं दीदार तुम्हारा क्या कहना दीदार तुम्हारा क्या कहना हर दिल में समाए रहते हो सरकार तुम्हारा क्या कहना हम भी हैं तेरे दीवानों में दिलदार तुम्हारा क्या कहना दिलदार तुम्हारा क्या कहना जय सदगुरुदेव जय पद शरणम श्री ब्रिज विष्णामृत भाग दो परिच्छेद तीन सतगुरुदेव दर्शन की लगन स्थान टी चौतीस अतुल ग्रोव रोड नई दिल्ली सन उन्नीस बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे करे नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन बानी बक्ता बड़जोगी <coughs> परम पूजनीय सत जी का परम पावन तथा परम कल्याण में पत्र पाकर हृदय को बड़ी सांत्वना मिली ये पढ़कर कि आपकी पूर्ण कृपा दृष्टि इस पतित की ओर है बड़ा ही प्रोत्साहन मिला ये शब्द कभी कभी बुलंदशहर और कभी कभी समय निकालकर यहां सत्संग के लिए आ जाया करो इसे बहुत लाभ होता है दासानुदास के हृदय में कुरेद पैदा करने लगे पत्र आने से लगभग आधा घंटा पहले ही प्रिय सतपाल जी जो पीलीभीत से आए हुए थे मुरादाबाद के लिए गए थे उधर धर्मपत्नी को रात्रि से बुखार हो गया था तापांश यानी टेम्परेचर लगभग 102 डिग्री था अब क्या करें धर्मपत्नी से कैसे कहें कि इसका मन फतेहपुर श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में जाने के लिए तड़प रहा है क्या ही अच्छा होता अगर ये पत्र श्री सत्यपाल जी के सामने आ जाता तो उन्हें दिल्ली रोक लेता और स्वयं फतेहपुर चला जाता कभी कभी समय निकाल कर यहां सत्संग के लिए आ जाया करो इससे बहुत लाभ होता है क्या ये सदगुरुदेव जी की आज्ञा दास को बुलाने की नहीं है तो और क्या है मैं तो जरूर जाऊंगा क्या धर्म पत्नी को भी इसी रात्रि से बुखार आने को था क्या इस पत्र को भी सत्यपाल जी के जाने के आधा घंटा बाद ही मिलना था यह सब दास की परीक्षा नहीं तो क्या है जब फतेहपुर जाने का निर्णय दास ने पूर्ण रूप से कर लिया तो फिर धर्मपत्नी से कहा गुरु महाराज जी का पत्र मिला है उन्होंने दास को बुलाया है मेरा विचार आज ही सायंकाल की गाड़ी से फतेहपुर जाने का है धर्मपत्नी ने कहा ऐसे पत्र तो आया ही करते हैं उचित अवसर देखकर ही जाया जाता है क्या आप मुझे ऐसे बुखार की हालत में छोड़ जाएंगे ये दोनों बच्चे दिनेश और रमेश वैसे ही तंग करेंगे इनके खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा दास ने उत्तर दिया मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका बुखार मेरे जाते ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा मैं चार दिन में वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए दवा और बच्चों के लिए डबल रोटी फल इत्यादि अच्छी मात्रा में छोड़ जाऊंगा ताकि आपको खाने के लिए कुछ बनाना ना पड़े धर्मपत्नी पत्नी ने नाराज हो कहा यह कौन सी भली बात है कि आप हमें ऐसी हालत में छोड़कर चले जाएंगे मेरी तबीयत तो वैसे ही बहुत खराब है ये बच्चे अकेले और मुझे तंग करेंगे अगर आपको जाना ही है तो फिर कभी चले जाना दास ने कहा मेरा दिल तो आज ही जाने को है और अगर नहीं गया तो मेरे दिल को बहुत दुख होगा और न मालूम ये दुख कब तक बना रहे धर्मपत्नी ने कहा और आपके चले जाने से हमें क्या सुख होगा इसमें आपके दिल को दुख होने की कोई बात तो है नहीं आपके गुरु महाराज ने ये तो लिखा नहीं है कि खत देखते ही चले आओ मैं आपसे जाने के लिए मना करती नहीं ऐसी हालत में स्वयं ही नहीं जाना चाहिए दास ने कहा परम पूजनीय गुरुदेव जी ने बुलाया तो है ही वो ये तो कभी भी किसी से किसी से नहीं वो ये तो कभी भी किसी को नहीं लिखेंगे कि फौरन चले आओ संत महात्माओं के तो केवल इशारे होते हैं जिसने उनको समझ लिया उसका बेड़ा पार हुआ और जिसने नहीं समझा वो गया वो रह गया मेरी आत्मा और दिल गुरु महाराज जी के चरणों में जाने के लिए तड़प रहे हैं लेकिन अगर मेरे जाने से तुम्हें तकलीफ होती है तो मैं हर किस नहीं जाऊंगा परंतु मुझे यह हमेशा अफसोस रहेगा ने कहा मैं ये हर किस नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको तकलीफ हो आप जरूर चले जाइए दास ने कहा आप मुझे खुशी खुशी जाने की इजाजत दें मैं फिर कहता हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा कि आपका बुखार मेरे रवाना होने के बाद ही फौरन ठीक हो जाएगा धर्मपत्नी ने कहा आप चले जाइए सब ईश्वर मालिक है इसके पश्चात दास दफ्तर गया और वहां जाकर पहला काम चार दिन की कैजुअल लीव आकस्मिक अवकाश का इंतजाम किया दफ्तर में दास का दिल सदगुरुदेव की याद में डूबा रहा और दफ्तर के काम के बीच बीच बार बार ये ध्यान आता रहा कि कब पांच बजे और छुट्टी हो तो दास फतेहपुर जाने की तैयारी करे छुट्टी होते ही दास घर गया रास्ते के लिए कपड़े तथा एक छोटा सा बिस्तर तैयार किया इसके बाद बाजार गया वहां वहीं से फल बिस्कुट इत्यादि का अच्छा प्रबंध कर वापस आया और फिर धर्मपत्नी से फतेहपुर जाने के लिए बिदा ली गाड़ी लगभग साढ़े आठ बजे रात्रि में रवाना हुई और दास को बैठने के लिए अच्छा स्थान मिला गाड़ी में रात्रि भर नींद नहीं आई बल्कि इसका दिल परम पूजनीय सदगुरुदेव जी के चरणों में एक टक लगा रहा प्रातः काल छह बजे फतेहपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंच गई दास उतरा और फतेहपुर शहर के लिए एक तांगे में बैठ गया शहर में पहुंचकर श्री गुरुदेव जी के मकान का पता आसानी से मिल गया और लगभग साढ़े छह बजे दास श्री सदगुरुदेव जी के शुभ स्थान पर जा पहुंचा दास ने किवाड़ खटखटाए तो आपके मुलाजिम कालीचरण ने किवाड़ खोले और सेवक का नाम और पता लेकर अंदर चला गया दो मिनट बाद ही आकर उसने बैठक खोली और दास का बिस्तरा और अटैची उसमें अंदर रखकर दास को अपने साथ अंदर ले गया मकान काफी खुला था सहन काफी लंबा चौड़ा था जिसके दोनों तरफ कमरे थे परम पूज्य सदगुरुदेव जी अभी लेटे हुए थे दास ने जाकर आपके चरणों पर माथा टेक कर प्रणाम किया जैसे ही दास का मस्तक सदगुरुदेव के चरणों में लगा कि दास के हृदय में यह भाव पैदा हुए चाहे अब जीवन चला जाए चाहे गर्दन भी देनी पड़े पर अब यह सिर इन चरणों से कभी जुदा नहीं होगा आप फौरन ही उठकर आशीर्वाद देते हुए चार पाई पर बैठ गए फिर दास को पास पड़े मूढ़े पर बैठने का इशारा करते हुए बोले जीवन देना क्या आसान बात है सोचना आसान है परंतु करना बड़ा मुश्किल है परंतु पवित्र विचारों का आना भी बहुत अच्छा है फिर मालिक स्वयं ही सब कुछ करा लेता है इसके पश्चात दास की ओर हंसते हुए श्री ओंकार जी अपने सुपुत्र को आवाज देते हुए बोले इस बच्चे का स्कूल घर से बहुत दूर पड़ता है ये साइकिल के लिए कह रहा है हमारे पास तो पैसा है नहीं परंतु यह हिंद साइकिल माहवारी किस्तों पर मिल जाती है लेकिन पहली किस्त का अठासी रुपए बासठ पैसे देना पड़ता है एटी एट रुपी सिक्सटी टू पैसे ये देना पड़ता है अगर पहली किस्त का इंतजाम कहीं से हो जाए तो बाद की किस्तें तो वो हम भी देते रहेंगे दास ने जो ध्यान दिया तो इसे याद आया कि केवल ठीक इतनी ही राशि उसकी सेविंग्स बैंक अकाउंट की किताब में जमा है बड़ी अजीब बात है कि इतने रुपए की ही किस्त भी देनी पड़ेगी दास ने सोचा कुछ भी कहना तो खराब है परंतु घर जाकर रुपये को सदगुरुदेव के चरणों में भेजने का निश्चय कर लिया इसके पश्चात आपने घर की कुशलता का हाल पूछा दास ने कहा सब प्रकार कुशल है परमात्मा की कृपा है इस पर आपने फरमाया क्या कहा सर्व प्रकार कुशल है हमें तो ओ, कल रात्रि में लगभग साढ़े आठ बजे जब तुम गाड़ी में चढ़े हो गए बैठक में सत्संग कराते कराते तेज बुखार हो गया और सत्संग के बीच में उठकर अंदर आना पड़ा अब इस समय तबीयत ठीक है जब आप घर वापिस जाएं तो बहू को अगर कुछ तकलीफ हो तो होम्योपैथिक की दवा दिला देना वैसे अब ठीक है कोई घबराने की बात नहीं दास मुस्कुराया और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो धर्म पत्नी से कह ही आया था सदगुरुदेव जी की कृपा फौरन हो ही गई इसके पश्चात आपने दास को शौच आदि से निवृत्त होने का आदेश दिया अनोखा भोजन इतन बिन परस नयन बिन देखा ग्रह धान बिन बासु असेखा अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी जैसे ये दास शौच आदि से निवृत्त हो पाया था कि श्री परम पूजनी गुरुदेव जी स्वयं एक बाल्टी में गरम पानी एक हाथ में लटकाए हुए ले आए और कहने लगे गरम पानी स्नान के लिए है दास ने कहा आपने इतनी तकलीफ क्यों की यह दास तो खुद ही ले लेता आपने फरमाया कायस्थों का कायस्थों का घर है हम लोगों में पर्दा बहुत होता है इसलिए हरेक आदमी घर में नहीं जा सकता और ऐसा कहते हुए आप घर के अंदर चले गए तथा एक लकड़ी का पटला लेकर फिर बाहर आए तथा चबूतरे पर स्नान करने के लिए बिछा दिया और फिर पूछा और कुछ मंजन साबुन तौलिया वगैरह तो नहीं चाहिए दास ने कहा जी नहीं ये सब सामान तो मेरे साथ है इसके पश्चात आपने पूछा आप पानी देख लीजिए और अधिक गर्म पानी या ठंडा पानी तो मिलाने के लिए नहीं चाहिए दास ने पानी को हाथ से देखते हुए कहा जी नहीं बिल्कुल ठीक है इस पर आप अंदर चले गए और दास स्नान करने लगा बड़ी होशियारी से रहना पड़ेगा क्या ये मेहमान है ऐसा विचार आने पर कुछ मन सुस्त हो गया स्नान करने के बाद दास गीले कपड़ों को फैला अंदर में बैठक में कपड़े बदलने चला गया दास कपड़े पहन रहा था और साथ साथ कमरे में लगे फोटो को भी देखता जाता था और जो ही कपड़े पहन पाया कि परम पूजनी गुरुदेव बैठक में पधारे और कमरे में लगे फोटो को बताया कि किन किन बुजुर्गों के थे फोटो देखने के बाद दास ने अपनी अटैची खोली और उसमें से दो साड़ियां जो दिल्ली से लेता गया था श्री परम पूजनी गुरुदेव जी को अर्पण करते हुए बोला ये दो सूती साड़ियां दिल्ली से पूजनीय माता जी के लिए लेता आया था पता नहीं उनके पसंद भी आएंगी अथवा नहीं आपने साड़ियां हाथ में ली और दास को साथ अंदर आने के लिए इशारा किया अंदर जाकर आपने परम पूजनीय माता जी को साड़ियां देते हुए कहा यह लड़का आपके लिए साड़ियां लाया है और आपको माताजी कहता है पूजनीय माता जी ऐसा सुनकर बाहर आंगन में आ गईं और दास से कहने लगी साड़ी अच्छी है दास ने चरण छुए आपने आशीर्वाद देते हुए बैठ जाने का आदेश दिया फिर चाय व नाश्ता तैयार करने लगी इसी बीच में परम पूजनीय गुरुदेव जी बाहर बैठक में चले गए आपने दास को चाय व नाश्ता दिया दास चाय पीने लगा कि इतने में ही इसकी निगाह पूजनीय मुन्ने भैया पर गई दास ने आपको पास बुलाकर गोदी में बिठा लिया और खुद भी नाश्ता करने लगे खुद भी नाश्ता करने लगा तथा साथ में पूजनीय मुन्ने भैया को भी खिलाने लगा परम पूजनीय माता जी बड़े गौर से देखती रहीं और मुस्कुराती रहीं और जो ही परम पूजनीय गुरुदेव जी बाहर से अंदर आंगन में आए आपने कहा ये अजीब बनिए हैं देखो मुन्ने को अपने साथ कैसा खिला रहे हैं इन्हें किसी प्रकार का कोई विचार नहीं है परम पूज्य गुरुदेव जी मुस्कुराते हुए बोले ठीक है ये तो अच्छी बात है और बाहर चले गए नाश्ता करने के बाद दास भी बैठक में चला गया आपने अपने समीप तख्त पोष पर ही बैठने का आदेश दिया और फरमाया आपको उपदेश देते समय यानी पूजा सिखाते समय हम अपने आप को भूल गए और बहुत ऊंचे पहुंच गए